यार एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ जो हैप्पी गाइज होते हैं खुश होते हैं जो लोग वो जो टेक्निकल स्टफ है वो तो लड़कों के साथ करते हैं शेयर और जो रोमांटिक स्टफ है वो लड़कियों के साथ करते हैं शेयर लेकिन जो ये आई वाले बंदे होते हैं ना ये उल्टा करते हैं ये टेक्निकल स्टफ लड़कियों के साथ शेयर करते हैं और रोमांटिक स्टफ लड़कों के साथ शेयर करते हैं What's up This is Yash. और यार आज वाली वाली वीडियो होने है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी पे बहुत बहुत ज्यादा फ्लड किया था मेरा डीएम तुम तो बच्चों ने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के लिए तो यार गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की तुम्हें तो हज़ार वीडियो मिल जाएंगी लेकिन मैं बता सकता हूं ये वाली वीडियो जो तुम देख रहे हो ये बेस्ट है यार क्योंकि जो मैंने सोर्स है ना इस वीडियो का वो इंटरनेट नहीं है यार इसका सोर्स एक बच्चा है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था स्कूल का तो उससे मैंने सारी इंफॉर्मेशन लेके इस वीडियो में डाली है तो इसमें कोई भी तुम्हें फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है जो उसने मेरे को ग्राउंड रियलिटी बताई है ना गलघोटियाज यूनिवर्सिटी की वो तुम्हें एक ऑनेस्ट ओपिनियन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं तो यार इस वीडियो में भी हमने एक पीडीएफ बनाया वो सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिली मैंने कैसे होता है, उसके क्या रहता है वहां पे हॉस्टल्स कैसे फैकल्टी कैसी है सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर तो उस पी को तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लाइक बटन के नीचे वहां से तुम उसे एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ को और इसी के साथ यार ये वाली वीडियो गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी पे हम शुरू करते हैं हाँ। सबसे पहले देख लेते हैं गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी की ये ये दो फोटो, ये इनका एंट्री गेट है और ये इनके कॉरिडोर्स हैं। तो देख के तुम्हें पता चल रहा होगा यार कैंपस काफी ज्यादा सुंदर है स्टैट्स एंड रैंकिंग्स देख लेते हैं टॉप तो 200 यूनिवर्सिटीज में रैंक तो यार ये रैंक अच्छी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तुम कंपेयर करो उसके बेसिस पे अब तुम आईआईटी या एनआईटी से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली उतना अच्छा कॉलेज नहीं है 2011 में यार येब्लिश हुआ था और 52 एकर्स का इसका कैंपस है छोटा एरिया है लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से अच्छा सेटिसफैक्ट्री uh, एरिया कह सकते हैं कनेक्टिविटी देखें तो यार बाय एयर देखोगे फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिस्टेंस टू गलगोटिया यूनिवर्सिटीज अराउंड 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दिल्ली आ जाओ दिल्ली से 90 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है रेलवे से देखोगे तो न्यू डेली का जो रेलवे स्टेशन है उससे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस है सिक्सटी किलोमीटर मैनेजेबल है रोड से देखोगे तो अगर दिल्ली वाले बच्चों की बात करें जो दिल्ली के ही रेजिडेंट्स हैं या आसपास के हैं दिल्ली एनसीआर के तो तुम मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो तो एक्वा लाइन है उस पर जाके तुम नॉलेज पार्क टू मेट्रो स्टेशन पे उतरोगे जहाँ से पाँच मिनट का रास्ता है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का और अगर तुम वैसे जनरल कैंडिडेट हो जो मतलब दिल्ली के नहीं हैं तो उनके लिए यार तुम्हें यमुना एक्सप्रेस वे से ट्रैवल करना होगा टुवर्ड्स लखनऊ और उस वाले रास्ते पे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है मोड ऑफ एडमिशन देख लेते हैं यार तो मोड ऑफ एडमिशन यार इनका अपना टेस्ट होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी यहां पर होते हैं मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स है यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीसीएम में और फोर्टी परसेंट आई मिनिमम या अप टू फाइव लाख रैंक्स तो अगर तुम्हारी पांच लाख ,00 तक आई है रैंक तो इस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा आसानी से क्वालिफाइंग गलगोटियाज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम विद मिनिमम फिफ्टी इन पी और सिक्सटी एग्रीगेट गलगोटियाज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है उससे भी तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो फीस देख लेते हैं यार तो पर ईयर फीस इंस्टीट्यूट फीस जो है वो है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड और हॉस्टल फीस और मेस फीस को कंबाइन कर दे तो वो है वन लाख फोर्टी थाउजेंड तो टोटल हो जाती है ये रुपीज थ्री लाख जो यार इंस्टीट्यूट फीस है ये वैसे तो वन लाख सिक्सटी थाउजेंड है लेकिन जो स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस है मशीन लर्निंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इन सारी ब्रांचेस के लिए ये फ़ीस वन लाख एट्टी थाउजेंड है और जो हॉस्टल और मेस वाली फ़ीस है वो वन लाख फोर्टी थाउजेंड है ए सी हॉस्टल्स के लिए और अगर तुम नॉन ए सी हॉस्टल लेना चाहते हो तो उसके लिए वो फीस है वन लाख टेन थाउजेंड रुपीज़ तो ये टोटल यार तीन लाख रुपए साल का बैठ जाता है और चार साल की बी तुम्हें पड़ेगी बारह लाख रुपए की जो यार अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी सही है और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कंपैरिजन में जैसे थापर है मणिपाल है दे आर चार्जिंग बाईस तेईस लाख रुपए तो उससे अच्छी है ये बारह लाख अब स्ट्रीम्स ऑफर देख लेते हैं यार तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स गेमिंग टेक्नोलॉजी बिजनेस सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ऑटोमोबिल है और सिविल है ये सारी इंजीनियरिंग अवेलेबल है सी में तुम देखोगे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है और बहुत सारे बच्चे इन स्पेशलाइजेशन को लेना प्रेफर भी करते हैं अब तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तुम ये ले सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कर सकते हो स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं तुम्हें फीस में रिबेट भी मिल जाता है थोड़ा सा फिफ्टी परसेंट ट्यूशन फी वेवर मिलेगा अगर तुम्हारी रैंक है अप टू फोर थाउजेंड जेई मेन्स के अंदर अप टू फोर थाउजेंड रैंक में फिफ्टी परसेंट रिबेट है और अगर तुम्हारी अप टू हंड्रेड रैंक आई है यूपीएसई एग्ज़ाम जो यूपीटीयू का होता है उसमें अगर तुम्हारी अंडर हंड्रेड रैंक आई है तो तुम्हें फिफ्टी परसेंट ट्यूशन वेवर है पच्चीस परसेंट ट्यूशन वेवर कब मिलेगा तुम्हें अगर तुम्हारे आएँ नाइन्टी थ्री परसेंट एग्रीगेट पी में और एट्टी परसेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन तो ये वाली कंडीशन है इस पर तुम्हें ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्यूशन फी वेवर मिल जाएगा अब यार देखो एक भाई भाई, भाई बात बताऊंगा मैं तुम्हें इस वाली का कोई मतलब नहीं है इन दी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक मनी मैंटिंग मशीन है तो अप टू फोर थाउजेंड रैंक जिसकी जेई में आएगी तो वो गलगोटियाज नहीं जाएगा तो वो चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए ये इन्होंने निकाल रखी है दिखाने के लिए लेकिन मेरे को नहीं लगता जिसकी चार रैंक आ रही है वो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी प्रेफर करेगी जोर से लोगों को स्कीमें बता अब यार गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो देते हैं बच्चे उनके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिल जाती है बारह हज़ार बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं तो अगर वन टू टेन में तुम्हारी रैंक है तो तुम्हें मिलेगा सेवेंटी फाइव परसेंट ट्यूशन वेवर इलेवन टू ट्वेंटी है तो फिफ्टी परसेंट ट्यूशन वेवर और ट्वेंटी टू थर्टी रैंक में तुम्हें मिलेगा ट्वेंटी ट्यूशन फी वेवर तो इस चीज़ को भी तुम कंसिडर कर सकते हो प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं यार तो प्लेसमेंट्स कॉलेज की ठीक है अच्छी नहीं कहूँगा बेकार नहीं कहूंगा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नीचे होती है प्लेसमेंट उतनी नीचे भी नहीं है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है तो एयरटेल एक्सिस बैंक कॉग्निजांट एच पी आई बी एम इन्फोसिस टेक महिंद्रा और विप्रो ये थे मेजर रिक्रूटर्स यहाँ पर ज़्यादातर मास रिक्रूटर्स आते हैं बच्चों को उठा के ले जाते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें तो बहुत बड़े बड़े करोड़ रुपए वाले लोक्रेटिव पैकेजेस मिलेंगे एवरेज पैकेज जो सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के हैं मतलब कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए वो तीन से साढ़े तीन लाख पर एन पे फ्लक्चुएट करता है और हाईएस्ट पैकेज फॉर अदर ब्रांचेस इज अराउंड सिक्स एल पी ए वाइल द एवरेज इज टू पॉइंट सेवन फाइव एल पी ए अदर ब्रांचेस की बात करें कंप्यूटर से तो हाईएस्ट पैकेज छः लाख चला जाता है लेकिन जो एवरेज पैकेज है वो रहता है टू पॉइंट सेवन फाइव लैक्स पर एन पिछले साल आ, मेरे फ्रेंड ने बताया चार बच्चे थे जो एमेजोन में प्लेस हुए हैं थर्टी लैक्स पर एन के पैकेज पे तो हाँ तुम उस वाले पैकेज को एम कर सकते होगा <laughs> <laughs> और एक बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हुआ है थर्टी फाइव लैक्स पर एन के पैकेज पे तो यार ये चीज़ तो मैं देखनी होगी कि बच्चे होंगे हजार पंद्रह सौ दो हजार और उसमें से एक बच्चा होगा जो माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा है दो बच्चे होंगे चार बच्चे होंगे जो एमेजोन में जा रहे हैं उस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है दो सीनियर्स गूगल समर ऑफ कोड जी कहते हैं जैसे पॉपुलर टर्म्स तो उसमें सिलेक्ट सेलेक्ट यार इस साल ये बहुत अच्छी चीज़ है इससे तुम्हें ये पता चलता है कि जो कोडिंग कल्चर है ना वो धीरे धीरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इंप्रूव हो रहा है बच्चे अपने आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं हॉस्टल देखें तो यार हॉस्टल में डबल सीटर रूम्स अवेलेबल होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे तुम पहले आओगे तो मैं रूम मिल जाएगा डबल सीटर रूम्स हैं 84 रूम्स हैं एक फ्लोर पे और ऐसे दस फ्लोर्स का हॉस्टल है काफ़ी लंबा हॉस्टल है उसने मेरे को बताया तो 84 रूम्स हैं एक फ्लोर पर और दस फ्लोर्स हैं तो टोटल एट रूम्स हैं और एक रूम में दो बच्चे रहते हैं पूल टेबल एयर हॉकी फूसबॉल टेबल टेनिस कोश ये सारी फैसिलिटीज़ हैं ये तुम्हारे घर से भी अच्छा हॉस्टल है ये देखो रेस्टिंग एरिया ये डाइनिंग एरिया ये एयर हॉकी लगा हुआ है ये जिम बहुत अच्छा मॉडर्न जिम बना हुआ है यहाँ पे इसके साथ पूल टेबल फूसबॉल ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तुम्हें सरकारी हॉस्टल में जो फैसिलिटी तुम्हें यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है uh, room, 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 और देर आ टी वी रूम योगा रूम डांसिंग रूम और थिएटर रूम ये सारे रूम्स भी बनाए गए हैं अगर तुम्हारा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट्स कैन प्ले बैडमिंटन क्रिकेट बास्केटबॉल फुटबॉल और हॉकी ये सारे स्पोर्ट्स खेलने का प्रावधान इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में है द कंडीशन ऑफ हॉस्टल्स आर गुड लेकिन थोड़े से माइनर इशूज कभी कभी लिफ्ट वगैरह के रह जाते हैं तो उसने एक ये चीज बताई नहीं तो हॉस्टल की कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है इसके बाद हॉस्टल मेस की बात कर लेते हैं तो यार सिर्फ वेजिटेरियन मेस है नॉन वेजिटेरियन मेस नहीं है यहाँ पे फूड खाने लायक है और आदत पड़ जाती है मैं इसका खाना खा के ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स और डिनर सब कुछ प्रोवाइड होता है नॉर्थ और साउथ इंडियन दोनों चीज़ें प्रोवाइड होती है तो अगर कोई बच्चा साउथ इंडिया का है तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि साउथ इंडियन क्वीन भी यहाँ पर मिल जाता है एक हफ्ते में एक बार पनीर मिलता है ये चीज बताई उसने मेरे को पता नहीं चल रहा था मैं इसे बोलना चाहिए या नहीं लेकिन हाँ एक हफ्ते में एक बार तो मैं पनीर भी मिल जाएगा लाइन लाइन से से आने का का लेने समझा कोई बुक्की करने का नहीं। की बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी तो है के अंदर अच्छा पैसा खर्च किया सोलह शॉप्स हैं कैफे कॉफी डे है, है पिज्जा पास्ता बर्गर सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा तो डेट पे ले जाने के लिए तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है मुझे पता है मेरा दिमाग खराब हो इस वक्त है अब एक डब्ल्यू एच स्मिथ का स्टोर है और एक सलों भी यहाँ पर है तो ये भी अच्छी बात है टी और कॉफी का प्रोविजन है उस एरिया को अड्डा कहते हैं वहां पर बहुत बच्चे बैठ के चाय कॉफी और समझ जाओ oh! एक ढाबा है कॉलेज के आउटसाइड पे अगर तुम्हें बोर हो गए हो तुम उन्हीं आउटलेट्स का खाना खाते हुए तो वो भी एक ऑप्शन है सेंट्रली एयर कंडीशन लाइब्रेरी है विद मोर देन 1.3 लाख बुक्स बहुत ज्यादा 1.3 लाख नंबर होता है इतनी सारी बुक्स बहुत अच्छी लाइब्रेरी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की और 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाती है फैकल्टी की बात कर लेते हैं यार तो देखो एक चीज बता रहा हूँ फैकल्टी इज वेरी सपोर्टिव एंड हेल्पफुल ओनली इफ द स्टूडेंट इज़ विलिंग टू लर्न ये वाली जो कंडीशन है ना अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो यारगलगोटियाज में आके तो तुम्हें फैकल्टी बहुत हेल्प करेगी मेरे फ्रेंड ने बताया वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मल्टीपल हैकेथन्स पे काम कर रहा है यार और फैकल्टी हमेशा उसे सपोर्ट करती है आगे बढ़ के लेक्चर से हटा के भी मतलब उसे अपने क्यूबिकल्स में बैठ बैठ के चीज़ें समझाती है तो अगर सीखना चाहते हो तो कोई नहीं रोकेगा यहाँ पर लेकिन अगर तुम्हारा वही प्लान है चार साल कॉलेज के निकालने सोके तो यार गलगोटियाज यूनिवर्सिटी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती ए एल ए आई है एम एल है बिग डेटा है, ये सब फैकल्टी तुम्हारी हेल्प करेगी अगर तुम क्लास के बाहर जाके सीखना चाहते हो लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा रूड और सपोर्टिव नहीं है ऐसा यार हर कॉलेज में होता है मोस्ट स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग क्लासेज जस्ट फॉर अटेंडेंस क्योंकि यार ये काफ़ी दिक्कत है गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में सेवेंटी फ़ाइव परसेंट अटेंडेंस का रूल है तो अगर तुम्हारी अटेंडेंस वो उतनी नहीं, नहीं होती मिड सेम से भी पहले तो तुम्हें मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में बैठने ही नहीं देते और तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट में बाग लग जाती है तो सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंडेंस प्लीज़ मेंटेन कर लेना अगर गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जा रहे हो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ की बात कर लेते हैं यार तो 25 से 30 क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं कलगोटियाज यूनिवर्सिटी में जैसे टेक्नो जैम है इसमें वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं सीनियर्स अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जैसे डिफरेंट स्किल्स होते हैं तुम्हारे कोडिंग वेब डेवलपमेंट इन सब पे वर्कशॉप सीनियर्स कंडक्ट करते रहते हैं कैंप सर्कल यहाँ का फोटोग्राफी क्लब है ये काफ़ी एक्टिव रहता है कैंपस के अंदर और गेस्ट लेक्चर्स काफ़ी सारे होते रहते हैं यार यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े ये सी टी ओ सीई ओस को बोलाते हैं और उनके गेस्ट लेक्चर्स होते रहते हैं एनुअल कल्चरल फेस्ट है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का गुरु रंधावा और अक्षय कुमार ने इस यूनिफेस्ट में परफॉर्म किया है काफ़ी बड़े नाम रिसेंटली कार्तिक आर्यन और सारा अली खान आए थे यार यहाँ पे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने तो काफ़ी भीड़ हो गई थी काफी मजा आया था बच्चों को एलम बेस इतना अच्छा नहीं है डेवलप हो रहा है क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है तो इस वजह से धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी तुम्हें यू विल हैव टू सेक्रीफाइस द सिटी लाइफ कैंपस जो है यार इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ नोवेयर तो तुम्हारी जो सारी सिटी लाइफ है उसकी धज्जियाँ उड़ने वाली है ये चीज तुम सोच के ही गलगोटियाज में जाना तो यार इन दी एंड ये कहूँगा मैं कि गलगोटियाज कॉलेज ये जो है अगर तुम्हें ये मिले तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यार तो यहाँ जा सको तो यहाँ चले जाना गलगोटियाज यूनिवर्सिटी फिर मत प्रेफ़र करना क्योंकि यार गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में ना वो वाली बात नहीं है जो गलगोटियाज़ कॉलेज में है तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का जितना मैंने पढ़ा सुना तो उतना अच्छा रिव्यू उतना अच्छा फीडबैक नहीं रहा है बच्चों का आ, मेरा फ्रेंड है वो बहुत खुश है यार लेकिन 90 परसेंट बच्चे इतने खुश नहीं है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में तो दैट सेज समथिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी ना तो वो चीज़ देख लेना और उसके अलावा यार गलगोटियाज़ कॉलेज में बेटर स्टूडेंट्स और बेटर प्लेसमेंट्स और बेटर टीचर्स सारी चीज़ें हैं और लेकिन अगर तुम्हें चाहिए एन्जॉयमेंट और कॉलेज लाइफ कि मेरे को क्लब्स में पार्टिसिपेट करना है नई चीज़ें सीखनी है खुद कुछ जिंदगी में तो यार गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तुम्हें प्रोवाइड करती है ओनली इफ यू आर विलिंग टू लर्न अगेन रिपीटिंग तो यार ये हो गई वीडियो गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे अब इसके बाद यार सबसे पहले कोई भी डाउट्स और क्वेरीज़ इंस्टाग्राम एट यश जीज मैं इसके बाद स्नैपचैट एट है मेरा टिकटॉक ट्विटर सारे यश जीज़ हैं यहाँ पर भी तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो कोरा पे लिखता हूँ मैं तो वहाँ पर तुम ये वाला लिंक चेक कर सकते हो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो यार एट यशगर डी एल कनेक्ट कर सकते हो ये वाला लिंक है लिंकडिन का यार मैं सबके साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ तो इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना कॉमेंट कर देना कोई भी सजेशन या फीडबैक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेलाइकन को दबा देना

वहां पर मेरे को तुम डीएम कर सकते हो कोई भी तुम्हारी क्वेरी हो कोई भी डाउट हो और मैं सारे इंस्टाग्राम डीएम का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा इसी के साथ अगर कोई भी सजेशन है या फीडबैक है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ उनको भी मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो को लाइक कर देना यार आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है सबसे ज्यादा इनपुट मैंने यार इस वीडियो में दिया दिल से बता रहा हूँ ये बात तो अगर तुम्हारा लाइक होगा ना ये वीडियो को तो इट वुड मीन अ लॉट टू मी और मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आगे करने की यही काम यार बाकी के कॉलेजेस के रिव्यूज देखने तुम्हें तो कॉलेज लिस्ट चल रही है एक सारे रिव्यूज वाली तो उसमें तुम जाके और कॉलेजेस को भी आ, देख सकते हो अगर कोई यार प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिंदगी में और मेरे से बात करना चाहते हो तो यार मेरा ईमेल आईडी है talktoyashgarg@gmail.com वहाँ पर तुम मुझे लिख सकते हो इसी के साथ यार ये वाली वीडियो हम गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में खत्म करते हैं एंड इट्स अ रैप अप बाय